हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो करवाने वाली हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये जो मैंने लिखा है। इसके अलावा एक पार्ट और है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुकी हूँ। ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, इसमें ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें जो आपका सेकेंड पार्ट है, इसमें आज मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास ये करवाने वाली हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, पूरा डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो पहले उसको देख सकते हैं, अदरवाइज इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये एक इंटर्नसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हमारे पास आते हैं लाइक प्रोटोन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसके बाद में जो मास है, इसमें क्या होता है, मास का मतलब होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप सोचते हैं कि मास और वेट सेम है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मास और वेट में बहुत डिफरेंस होता है। ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं बट क्वाइट सिमिलर हैं, ठीक है, बिल्कुल ही अलग नहीं है, बट हाँ ये इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अभी मैं आपको मास करवा रही हूँ, वेट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग, मास जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मास इज अ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। सेकेंड पॉइंट आता है, जैसे कि एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रिक चार्ज जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टी है, ऐसे ही जो मास है ये बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मास जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये अमाउंट को डिफाइन करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर। इसके अलावा मास को हम केजी में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बता रही क्योंकि इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं, बट ये मैंने अभी तक नहीं करवाया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो मास है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सेकंड में ये है कि अमाउंट ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है जो इसकी एसआई यूनिट है वो है केजी। इसके अलावा जो मास है वो कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, डेंसिटी ऑफ एटम का हो सकता है, ठीक है, और जो मैटर है मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कितना अमाउंट है इसका, इस चीज़ पे भी ये चीज़ डिपेंड कर सकती है। तो ये था बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास। इसके अलावा जो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके अकॉर्डिंग जो इसका डिफरेंस है मैं आपको वो करवा देती हूँ। इसके बाद में जैसे सपोज अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में कंपैरिजन पूछा जाता है, सो फर्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकेंड वन इज मास, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहली चीज जो डिफरेंस में आती है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट मास हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमेशा क्वांटाइज होगा, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब हो गया क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये जो है क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है जो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में करवाई है। इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है एडिटिविटी, सेकेंड है क्वांटाइजेशन एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई।
सेकेंड नंबर पे जो मास में है, ये कंपैरिजन है दोनों का, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज है यहाँ पे मास के लिए ये रिलेशन अभी तक स्टेब्लिश नहीं है, और यू कैन से कि अभी शॉर्ट ही नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मास कभी क्वांटाइजेशन प्रोसेस मतलब जो क्वांटाइजेशन है वो मास की प्रॉपर्टी कभी हो ही नहीं सकती, सभी नहीं कह सकते, बट ये चीज का अभी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये अभी स्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये नहीं होता फिर यहाँ पे इफ यू वांट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी का, वो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट मास के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास वेरी करता है स्पीड के साथ साथ, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करती है उस टाइम पे जो मास है उसमें भी वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं डजंट डिपेंड अपॉन स्पीड। और इसमें ये इंक्रीज करेगा विद स्पीड, ठीक है। इसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस का, फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में। फोर्थ पॉइंट ये कहता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये इसी का ही एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया बिटवीन द पार्टिकल्स, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास के बीच का जो कंपैरिजन, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास में, इनमें क्या होता है, सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ये दो टॉपिक्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है, इसके अंदर ये दोनों चीजें हम पढ़ते हैं। तो अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करें इन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बट इन ऑपोजिट केस, मास के केस में सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो मास है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं आएगा, यहाँ जो एक फोर्स हम पढ़ेंगे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मास में पढ़ना है। अब जैसे कि ऐसे टोल्ड यू कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज में अट्रैक्टिव भी हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है, बट मास के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको थर्ड सेकेंड पॉइंट पे बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी आती है कि ये कंजर्व्ड होता है, बट मास में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मास में ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज ये कंजर्व्ड हो सकता है। सो ये कुछ डिफरेंस है, और यू कैन से कि ये कंपैरिजन था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मास में। इसका ये सेकेंड पार्ट है, इसके बाद जो अभी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस बताने वाली हूँ, और यू कैन से मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के इस चैप्टर में हम उसके बीच में कैसे डिफरेंस को देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।